दोस्तों जैसा कि आप ये क्रश बैरियर देख रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है? आज घूमते घूमते हम आ पहुंचे हैं मेरठ करनाल हाईवे पर। यहाँ पर हमारी नजर पड़ी इस मशीन पर, किस तरह से ये क्रश बैरियर्स को इंस्टॉल करती है, क्या प्रोसेस होता है, आइए देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है ये भैया जी जो कि इसके हैं चालक, यानी कि जैसे एक ट्रक का ड्राइवर होता है वैसे ये इसको चलाते हैं। तो भैया जी आप अपना नाम बता दीजिए। मानविंद्र। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस मशीन का इस्तेमाल यहाँ पर क्या होता है? मशीन का इस्तेमाल होता है, ये पोस्ट होती है ना। अच्छा, इसको पोस्ट बोलते हैं, पिलर बोलते पोस्ट। हैं। अच्छा, तो ये पिलर को इसमें गाड़ने के लिए इसमें लगाया जाता है जी। ये हमारा अच्छा अच्छा इसमें लगाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भैया जी ने इसको पिलर को उठाया हुआ है, अब मशीन के अंदर इसको डाला जा रहा है और अब इस पिलर को किस तरह से इसकी इंस्टॉलमेंट की जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मशीन को इसमें इस पिलर में सेट कर दिया गया है और इसकी इंस्टॉलमेंट अब की जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मशीन हो चुकी है शुरू और पिलर अंदर घुसता जा रहा है। मशीन से ठोकने के बाद में ये पिलर कसा है, जेज लगाया था चादर वाले, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीम। इसको बीम बोलते हैं। हाँ जी, इसको लगा के ये आ गया हमारा जोन, इसमें नट बोल्ट लगा के चूड़ी कसेंगे। तो ये जो नट बोल्ट कसने वाला काम होता है ये अलग कारीगर करते होंगे। अब आप ये हमें बता दीजिए कि इस मतलब मशीन को चालू कैसे किया जाता है? चालू देखिए यहाँ पे जी, ये होता है सब चालू। अच्छा, ये चाबी का स्विच है, ये मीटर है जी, ये ऑन डुबोर्ड है। अच्छा, लाइट वगैरह। तो यहाँ पर कई सारी बटने हैं, तो इनका इस्तेमाल भी कुछ ना कुछ होता होगा। होता है जी। ये बटन नहीं है जी, ये सिर्फ टॉर्च है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मतलब यहाँ पे सिर्फ लाइट जलती है जी। तो भैया जी जैसे कि मैं वहाँ पर वो कई तरह के वो स्विच देख पा रहा हूँ, तो इनका इस्तेमाल क्या कैसे होता है, क्या होता है? इससे ऊपर नीचे चालू करने वाली है। अच्छा, ये चालू करने वाली है, ये ऊपर नीचे करने वाली है जी, ये मतलब अंदर बाहर करने वाली है। अच्छा, ये हिस्सा है ना। अच्छा अच्छा, ये हिस्सा थोड़ा इधर को आ जाएगा जी जी, इन बटनों से जी पल्ली तरफ भीतर घुस जाएगा जी। अच्छा, नवाने के लिए भी होती है, जैसे कि यहाँ पर डोरी बंधी हुई है उसके लेबल में लाने के लिए, इसको अंदर बाहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी भैया जी। और ये बटन है ना जी, ये बटन नवाने के लिए है, उठाने के लिए, नवाने के लिए जी। तो भैया जी इसको जैसे कि एक आपने पोस्ट इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया, इसके बाद जैसे आगे बढ़ाना हुआ तो कैसे करते हैं? ये बटन है ना। अच्छा, ये जो दो काली वाली बटन है, ये दोनों काली वाली बटन है, ये आगे कर देंगे तो ये आगे जाएगी। तो आगे करने के लिए दोनों बटन मतलब दोनों बटन करनी पड़ेगी पड़ती हैं जी। और अगर हमें पीछे करना हुआ तो पीछे करना पड़ेगा, पीछे जाएगी जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से इसका क्रश बैरियर को लगाने का काम पूरा किया जाता है, पहले हैमरिंग मशीन का इस्तेमाल होता है जिससे कि पिलर को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद भैया जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर इसको ये बीम को इस पिलर में इंस्टॉल किया जाता है, फिर इसके बाद इसको लेबलिंग करने का काम किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद।